अच्छा दूसरा आपने वो चीज़ देखी थी वो ना, एक दरगाह पे खादिम थे जो कि उनके सर पे ऐसे रख रहे थे तो उन्होंने हाथ हटाया था। भाई जान के कुछ मैसेजेस हैं, कल मैं उनके एक क्लोज फ्रेंड से जो उनके साथ साथ रहते हैं उनसे मिला तो उनके भाई जान के कुछ मैसेजेस हैं, वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं आपको देने जा रहा हूँ। YouTube चैनल सुबह के बज चुके हैं 7, लेकिन शहाब भाई गायब हैं, कुछ पता नहीं कहाँ पे। सुबह रात को जिस होटल पे थे वो अभी सुबह उस होटल पे नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि यहाँ से वो निकल गए, रुपनगढ़ रोड से निकल गए, तो हम उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कहाँ पे कैसे हैं, कौन कौन है साथ में, हमें अभी कुछ पता नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ने की। थैंक यू सो मच सर, आपने होस्ट किया, हमें जगह दी, खाना दिया, थैंक यू सो मच दिल से। इन्होंने हमें पिक भी किया था, अभी हम वापस से ड्रॉप भी कर रहे हैं स्टैंड पे। अच्छा जनाब, हम ना यहाँ पे रुपनगढ़ ओल्ड बस स्टैंड पे आके उतर गए, लेकिन भाईजान हमारे यहाँ से भी निकल गए हैं। बहादुरी देखिए, हिम्मत देखिए, हौसला देखिए, रात को 2 बजे निकले थे, इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि रात को 2 बजे निकले थे और इस एरिया में थे कहीं पे, लेकिन यहाँ से भी वो निकल चुके हैं। 9 बज गए सुबह के, लेकिन वो अभी तक रुक नहीं रहे हैं, हमें और फॉलो करना पड़ेगा। बारिश भी ज़ोर की चल रही है, लेकिन वो अभी चल ही रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं। ये है रुपनगढ़ बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड। यहाँ से हमें गाड़ी पकड़नी पड़ेगी या कोई सोर्स मिलेगा, कैसे भी होगा तो हम कोशिश करेंगे उनको पकड़ने की, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने जा रहा है। अच्छा जनाब, मैं आपको बता रहा था राजस्थान मेरे यहाँ पे है, यू नो रुस्तम भाई हमारे, हमें एक मिले थे, आपको मैंने बताया था कि उन्होंने होस्ट किया था, उनकी वजह से हमारे एक और भाईजान मिल गए हैं। आपका नाम भाईजान? मोहसिन खान नाम है मेरा। मोहसिन खान इनका नाम है, इनको कॉन्टेक्ट किया, हमारे लिए मुश्किल हो रहा था शहाब भाई को पकड़ पाना क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, वो थोड़ा सा रुकते हैं फिर चलते हैं फिर चलते हैं चलते हैं, तो ये अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी के साथ साथ मुझे लग रहा है खाना भी लाया इन्होंने। खाना भी लाया। ये देखिए राजस्थान का प्यार, आई लव राजस्थान। खाना भी लेके, गाड़ी भी लेके हमें शहाब भाई के पास पहुंचाने जा रहे हैं। खाली खाली रोड है, कुछ पता नहीं कितने दूर हैं, कितने आ गए हैं, लेकिन आपको तो दिखाना है, हमने हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी, हम आप लोगों हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को दिखाने की, बताने की कि कहाँ पे हैं। और मैं आपको बता रहा था, इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, आप बोलते हो कि वीडियोस लेट डालते हो लेट डालते हो लेट डालते हो, जनाब यूट्यूबर बन के देखें तो आपको पता चलेगा वीडियोस लेट डालते हैं या कैसे डालते हैं। मैं वीडियोस शूट करता हूँ, शूट करने के बाद वीडियो को डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद एडिट करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, फिर जाके अपलोडिंग होती है, और अपलोडिंग भी नेटवर्क मिलता है, भागता हूँ इधर उधर भागता हूँ किसी ना किसी तरीके से आपको अपडेट देने के लिए, ईजी काम नहीं होता है। बस ये मानिए कि मैं जितनी कोशिश करता हूँ, मुझे लग रहा है मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास अपडेट से जब पहुँचती है, तो मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ, जितना मुझसे होता है मैं उतना करता हूँ। आप लोग, एक मुस्तफ़ा कुरैशी का मैंने कमेंट पढ़ा, वो उस बंदे ने मुझे देखा कहीं पे, थैंक यू मुस्तफ़ा कुरैशी भाई, आपने मुझे देखा और समझा, आपको पता चला कि यूट्यूबर के लिए वीडियोज़ बनाना कितना मुश्किल होता है, अपलोडिंग करना कितना मुश्किल होता है। उन्होंने मुझे देखा है, उनसे मुझसे बात नहीं करी, मैं आपको कमेंट अभी बताऊँगा, उन्होंने कमेंट किया और यही हालत थी मेरी, मुझे नींद आई थी बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल होता है जनाब, बहुत मुश्किल। फाइनली भागते भागते दौड़ दौड़ के बंदों ने हमारी हेल्प करी, थैंक्स जो बंदे देख रहे हैं मुझे जिन्होंने मेरी हेल्प करी, थैंक यू सो मच। फाइनली हमने उनको पहुंचा दिया यहाँ पे, ये होटल है, हाँ यहाँ आगे नाम है इसका, व्लॉग्स व्लॉग्स, होटल गुजरात जो कि किशनगढ़ से, आई थिंक मुझे बात करनी पड़ेगी सर, ये कौन सी जगह है? रुपनगढ़ नियर परबस है, हाँ रुपनगढ़ नियर परबस, परबस है। भाई जान के कुछ मैसेजेस हैं, कल मैं उनके एक क्लोज फ्रेंड से जो उनके साथ साथ रहते हैं उनसे मिला तो उनके भाई जान के कुछ मैसेजेस हैं, वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं आपको देने जा रहा हूँ।
पहला मैसेज ये है कि आप लोगों ने पुलिस के साथ कोऑपरेट करना होता है। जब आप लोगों को पुलिस के डंडे पड़ते हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और आप लोगों को पुलिस के साथ कोऑपरेट करना होता है, और जब आप बार बार उनको बुलाते हो शिहाब भाई शिहाब भाई शिहाब भाई, उनको अच्छा नहीं लगता है। आप लोग एक बार अच्छे से लाइन में रुकें, सलाम करें उनको, सबको देखने दें। आप बोलते रहते हो शिहाब भाई शिहाब भाई शिहाब भाई, वो काफ़ी इरिटेट होते हैं। आप लोग ऐसे मत करें, कभी भी मत करें, ये उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मैसेज था उनकी तरफ से। आगे भी मैं मैसेजेस काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, पर मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। हर वीडियो में आपका एक एक मैसेज है जो मैं उनका पहुँचाता रहूँगा आप लोगों के पास। इस प्रॉपर जगह का नाम क्या है? गुजरात होटल। गुजरात होटल नहीं, पनीर चुराया। आप बोले गुजरात होटल में पनीर चुराया। पनीर चुराया। आप लोग कहाँ से आए सारे? पनीर गांव किशनगढ़। पनीर आसपास के सभी गांवों से हैं। आसपास के सभी में 3 किलोमीटर पनीर है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट है सर। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही है फिलहाल अभी। चले, थैंक यू। 3 किलोमीटर बाद में नागौर जिला लग जाएगा। 3 किलोमीटर बाद में नागौर जिला लग जाएगा। ओके, दुआ करेंगे आप लोग भाई के लिए, दुआ करेंगे। और आप लोगों ने डिस्टरबेंस मेरा नहीं क्रिएट करनी होती, उनको काफी मेरी वीडियोस देखो, आप उनके मैसेजेस होते हैं ये, उनको बार बार शिहाब भाई शिहाब भाई शिहाब भाई करके बुलाना उनको अच्छा नहीं लगता है। शिहाब भाई शिहाब भाई, इनको एक बार साइड से आराम से रुके आप, उनको सलाम करें, उनको सलाम करना बहुत अच्छा लगता है। बार बार उनको शिहाब भाई बोलते हैं, वो बहुत इरिटेट होते हैं। ऐसा ऐसा मत करेंगे आप लोग, ठीक है? यस। कल आपने वो वीडियो देखी जिसमें शिहाब भाई हाथ हटा रहे हैं खादिम? तो क्या कहना है उसके बारे में आपका? वो तो खादिम उनके वो गलती बर्ताव कर रहे थे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दुआ कर रहे थे और उनको हाथ से ऊपर से वो ये कर रहे थे, और उनका ये मानना था कि दुआएं जो खादिम की कबूल होती है, बाकी किसी बंदे की नहीं होती है। खादिम गलत था? खादिम गलत था वहाँ पे क्या? ओके ओके, दुआ कर रहे थे तो उनको डिस्टर्बेंसेस हो रहा है। और दूसरा सजदे की बात की जा रही थी कि उन्होंने सजदा किया वहाँ पे या नहीं किया, सजदा उनको करना चाहिए था या नहीं करना? नहीं करना चाहिए सजदा। नहीं क्यों नहीं करना चाहिए था? केवल दुआ करनी चाहिए, सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने करना चाहिए क्या? अच्छा, दूसरा आपने वो चीज़ देखी थी वो ना, एक दरगाह पे खादिम थे जो कि उनके सर पे ऐसे रख रहे थे तो उन्होंने हाथ हटाया था। वो एक्चुअली दुआ में बिजी थे, दुआ कर रहे थे, और दुआ करते करते जब वो खादिम उनको ऐसे कर रहे थे उन्होंने हाथ हटाया, वो इरिटेट हो रहे थे एक्चुअल में। तो दूसरा ये था कि वहाँ के खादिम्स का ये मानना था कि जो कि दुआ होती है, ये लोगों का भी मानना है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कि खादिम्स की ही दुआ कबूल होती है। आम जो लोकल बंदा जाता है वहाँ पर दुआ जो है वो कबूल नहीं होती है। पर मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट है जो इट इज़ नॉट गुड कंसेप्ट फ्रॉम माई साइड, और शिहाब भाई की तरफ से ये भी गुड कंसेप्ट नहीं था। बस आज का दिन यही था। आपको मैंने बताया कि शिहाब भाई कहाँ रुके हुए। मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलता हूँ शाम को। तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए, और इस बार मैं नहीं बोलूँगा, ये सारे राजस्थान अजमेर के लोग बोलेंगे। वीडियो को क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? लाइक शेयर, वीडियो को शेयर। सलाम बोल दो लास्ट।